आज से ठीक 17 साल पहले रेगिस्तान का शेर कहे जाने वाले सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया था। सुबह के करीब 5:30 बजे 12 अमेरिकी सोल्जर्स हथकड़ी में जकड़े सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले जल्लादों को सौंप देते हैं, और जब उन्हें फांसी के तख्ते पर लाया जाता है तो उन सभी 12 सोल्जर्स की आंखों में आंसू होते हैं। हाथ में कुरान लिए सद्दाम बगैर किसी खौफ के फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ते हैं। उस टाइम वो किसी भी तरह का कोई अपोज नहीं करते, बस फांसी के वक्त पहनाए जाने वाले काले कपड़े को पहनने से मना कर देते हैं। घड़ी की सुई 6 पर पहुंचती है, जल्लाद लीवर खींचता है और सद्दाम फांसी पर लटक जाते हैं। आज की इस क्विक इन्फो सीरीज की छोटी सी वीडियो में हम आपको सद्दाम हुसैन से जुड़े कुछ यादगार किस्सों के बारे में बताएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि अभी आपको बताया कि सद्दाम को फांसी पर लटके 17 साल हो चुके हैं, लेकिन जब वो इराक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम इराक मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करती थी। सद्दाम खुद को अरब का शेर कहा करते थे, जबकि दुनिया उन्हें द लायन ऑफ डिजर्ट के नाम से जाना करती थी। सद्दाम के लाइफ का एक चैप्टर ऐसे भी गुजरा है जब वो अमेरिका यूरोप जैसे देशों के चहेते लीडर्स में एक हुआ करते थे, और एक दूसरा चैप्टर वो भी आता है जब वही अमेरिका सद्दाम को, सद्दाम के इराक को, सद्दाम की फैमिली को तबाह कर देता है। लेकिन सद्दाम के कुछ काम ऐसे हैं जो कभी भी भूले नहीं जा सकते, जिसमें एक है ब्लड कुरान। साल था 1990। सद्दाम हुसैन अपने खून से एक कुरान लिखवाते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सद्दाम हुसैन लगातार 2 साल तक अपनी बॉडी से 27 लीटर खून निकलवाते हैं, जिसे स्याही की तरह यूज करके कुरान के 114 चैप्टर को 605 पेजेस में लिखा जाता है। लोग सद्दाम के खून से लिखे उस कुरान को देख सके उसके लिए उसे बगदाद की एक मस्जिद में कांच के फ्रेम में सेट करके रखवा दिया जाता है। हालांकि साल 2006 में उनकी फांसी के बाद पब्लिकली उसे देखने पर बैन लगा दिया गया है। इसी तरह सद्दाम का एक और किस्सा जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, वो जॉर्ज बुश की फोटो को फर्श पर लगवा देते हैं। इराक में एक 5-स्टार होटल अल रशीद बनवाई जाती है। चूंकि होटल 5-स्टार होती है तो उसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं, लीडर से लेकर एक्टर तक उस होटल में पहुंचते हैं, और सद्दाम उस होटल में कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो होटल पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाती है। दरअसल सद्दाम होटल के एंट्री गेट के फर्श पर लगी टाइल्स पर उस टाइम के अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश की फोटो लगवा देते हैं, और इस इमेज के ऊपर इंग्लिश और अरेबिक दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है बुश इज क्रिमिनल। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अरब कल्चर में किसी की इमेज को जूते से रौंदना बड़ा ही ऑफेंसिव माना जाता है। ऐसे में जब भी पूरी दुनिया से कोई लीडर या कोई हाई प्रोफाइल इंसान उस 5-स्टार अल रशीद होटल में जाता तो उसे बुश की फोटो पर जूते से चलकर जाना होता था। सद्दाम का ये एक ऐसा काम था जो पूरी दुनिया की हाईलाइटेड न्यूज हुआ करती थी। हालांकि साल 2003 में अमेरिका के इराक पर कब्जा करने के बाद उस इमेज को डिस्ट्रॉय किया गया, और साल 2008 में सद्दाम की फांसी के बाद उस इमेज को पूरी तरह से हटा दिया गया। इसके अलावा सद्दाम एक और काम करते हैं जब वो सिर्फ 6 घंटे में पूरे कुवैत पर कब्जा कर लेते हैं। कुवैत को इराक का 19वां स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों किया उसके पीछे एक पूरी कहानी है जो मैंने अपनी सद्दाम हुसैन वाली इस वीडियो में बताई हुई है। इसे देखने के बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि सद्दाम हुसैन कौन थे और उन्होंने कैसे और क्या क्या किया है। आप इसे जरूर देखें। सद्दाम के खात्मे को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो कुवैत पर उनका अटैक करना उनके लिए उनके गले की हड्डी बन गया, और वही अमेरिका, वही यूरोप जो कभी सद्दाम को सपोर्ट किया करता था, उसी ने सद्दाम को तबाह कर दिया। क्विक इन्फो सीरीज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।